इस तरीका से ये बनाया गया है और हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, इस वक्त मैं हूँ मछली घर के पास और ये पटना के चिड़ियाघर के बीचों बीच बनाया गया है और यहाँ आपको एंट्री लेने के लिए 10 रुपये का टिकट लेने के लिए पड़ेंगे। टिकट काउंटर है और इसका एक टिकट का 10 रुपये लगता है। टिकट खरीद लिया है और चलते हैं अब मछली घर। तो गाइस, टिकट लेने के बाद हमने मछली घर एंट्री ले लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि मछली घर कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, ये है मछली घर और ये मछली का डिजाइन बनाया हुआ है। आप साइड से देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है ये डिजाइन। और अब चलते हैं इसके अंदर और देख सकते हैं इसका बनावट कि किस तरीका से ये बनाया गया है। और उधर पीछे की तरफ निकलने के लिए बनाया गया है और इधर ये मछली का घर है और काफ़ी रंग बिरंगे मछलियाँ यहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको। और आप देख सकते हैं ये है वो रंग बिरंगे मछली, ये है सिल्वर एरोवाना और ये है, देख सकते हैं एक तरफ ये सफ़ेद मछली और एक इधर ये ब्लैक, इसका नाम है एल्बिनो टाइगर शार्क और इसको ऑक्सीजन के लिए देख सकते हैं वहाँ पर लगाया गया है फुहारा। और ये है टिम्पल बार्ब और एल्बिनो टिम्पल बार्ब। इधर भी है मछली, देखिए किस तरह से तैर रहा है। पीछे कुछ इस तरह का अंडा का छोटे छोटे पत्थर है और ये सब मछली में दो तरह का मछली है, एक है टिम्पल बार्ब और एल्बिनो टिम्पल बार्ब, दो तरह का मछली है इसमें। ये है प्रिंटेड कार्प किल्ड, यहाँ देख सकते हैं ये है कछुआ, किस तरह से है। इसे बहुत सारा छोटा छोटा है और यहाँ देख सकते हैं आपको जूम करके दिखाते हैं। बड़ा ही प्यारा सीन है ना। और ये देख सकते हैं ये है किंग कॉन्ग पैरोट, इसी तरीका से यहाँ एक जैसे। उसको ऑक्सीजन के लिए यहाँ फुहारा दे रहा है। ये मछली है पिराना और क्रोकोडाइल, पिराना और क्रोकोडाइल की साइज के अंदर में। ये है ब्लैक टाइगर शार्क, और यहाँ देखिए रेनबो।
एक नीचे ये पीस है, देख सकते हैं, देखिए इसको उंगली इसके मुंह के पास लाने पर इस तरह से खाने के लिए जाता है। तरीका से ये मजेदार एकदम रंग बिरंगे मछलियाँ हैं और काफी देखने में सुंदर लग रहा है। और भी है मछली, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी है रंग बिरंगी मछली, कितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, देख सकते हैं। ये था मछली घर का, तो मछली का सारा रंग बिरंगे व्यू, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए अब निकलते हैं मछली घर से बाहर और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।